Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the Nationalist Movement in Indochina from Events and Processes Section 1, India and the Contemporary World Part 2, Grade 10, CBSE. The Nationalist Movement in Indochina. Vietnam gained formal independence in 1945 before India, but it took another 3 decades of fighting before the Republic of Vietnam was formed. वियतनाम को जो है एक फॉर्मल तौर पे आज़ादी मिल गई थी इंडिया से पहले 1945 में, लेकिन उसको फिर 3 दशक और लगे, जैसे कहना चाहिए अपने को उसको लड़ाई लड़नी पड़ी ताकि रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बन सके. दिस चैप्टर ऑन इंडो चाइना विल इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द पेनिनसुला, नेमली वियतनाम. अब ये जो हमारा चैप्टर है इंडो चाइना पे, इसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट मिलेगा इस पेनिनसुला का, जिसका कि नाम है वियतनाम. नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप्ड इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट. ये जो नेशनलिज्म था, यानी कि ये जो राष्ट्रीय भावना थी, इंडो चाइना में ये डेवलप हुई इस कॉलोनियल पीरियड में. द निटिंग टुगेदर ऑफ द मॉडर्न वियतनामीज नेशन दैट ब्रॉट द डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर वॉज इन पार्ट द रिजल्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, बट एज इम्पॉर्टेंटली इट वॉज शेप्ड बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन. अब ये जो एक साथ आप सब पास आ गए, सब जुड़ गए, बंध गए एक दूसरे से, जो मॉडर्न वियतनाम नेशन है, उसने क्या किया कि सारी की सारी जो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज थी उनको एक साथ लाए, और ये किस चीज का रिजल्ट था? कॉलोनाइजेशन का. साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जो कॉलोनियल डोमिनेशन चल रहा था, उनका जो दबदबा चल रहा था, उसका एक उसके खिलाफ जो स्ट्रगल था, उसकी वजह से जो है सारी कम्युनिटीज एक साथ जुड़ी और एक मॉडर्न वियतनाम बन पाया. इफ यू सी द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंडो चाइना इन रिलेशन टू दैट ऑफ इंडिया, यू विल डिस्कवर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द वे कॉलोनियल एम्पायर्स फंक्शन एंड द एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप्ड. अगर आप हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखो, ये जो इंडो चाइना रिलेशन का है, जो कि खासतौर से इंडिया के साथ है, उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. जिस तरह से कॉलोनियल एम्पायर्स एक तरह से काम करती थी, फंक्शन करती थी, या जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट वहाँ पर डेवलप हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे. By looking at such differences and similarities, you can understand the variety of ways in which nationalism has developed and shaped the contemporary world. अब इन अलग अलग differences को या similarities को जब आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से अलग अलग तरीके थे जिससे कि ये nationalism develop हुआ और साथ ही साथ इस modern दुनिया की एक शक्ल इख्तियार हुई.